उज्जैन जिले के वराहमिहिर की नगरी कायथा में मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री पारस जैन के मुख्य अतिथि में महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया। बताया जाता है कि तराना विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल फिरोजिया द्वारा लगातार कॉलेज की मांग की जा रही थी। श्री फिरोजिया के प्रयास से जो सौगात मिली उससे कायता सहित आसपास के सभी गांव के बालक बालिकाओं को कॉलेज पढ़ने दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको जोर दिया, 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा से लेकर 4 बीघा तक के किसानों को भी जोड़ा। उसमें मुख्यमंत्री ने जो दूसरों के खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, बहन बेटी हैं, उनको जोड़ा। उसमें अम्बाली करने वाले को जोड़ा, केला जलाने वाले को जोड़ा, सब्जी बेचने वाले को जोड़ा। जो दूसरों के घर में बहन बेटियां काम करने जाती है, बर्तन झाड़ू खटका करती है, उनको जोड़ा। एक वर्ग भी थोड़ा जिसको असंगठित योजना में मुख्यमंत्री ने नहीं जोड़ा, और उस योजना में उन्हें जन्म देने के मृत्यु तक की योजना में जोड़ा। इसका फायदा है कि मैं गांव गांव जा रहा और लोगों से निवेदन करता हूँ, खासकर मजदूर वर्ग बस्ती में रह जाकर निवेदन करता हूँ कि इस योजना में पंजीयन जरूर करवाए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनिए, वो महाकाल का आशीर्वाद लेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान भी लेंगे और सब विधानसभा में 230 विधानसभा में डेढ़ महीने 3 महीने के अंदर एक एक दो दो तीन तीन विधानसभा में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद लेंगे। आपके कराने में कौन सा रूप होगा मुझे नहीं मालूम। 15 तारीख को आएंगे, 15 तारीख को ऐसा स्वागत होना चाहिए कि कांग्रेस के लोग ये सोचे कि दादा अब यहाँ कोई उम्मीदवार खड़ा कर रहे नहीं चाहिए।